अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए विक्रम संवत की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस बार कौन सा विक्रमी संवत शुरू हो रहा है और गुड़ी पड़वा से जान लीजिए कि नौ वर्ष का मंत्रिमंडल कैसा है। जिस प्रकार से देश को संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, जो मंत्रिमंडल बना करके देश को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी शास्त्र में ग्रह मंडल की भी व्यवस्था रहती है। सभी ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है, सभी ग्रहों का अपना अपना काम होता है। जैसे हम सब देशवासी इकट्ठे होकर के सब अपना अपना कार्य करते हैं, सभी के कार्य करने से ही देश चलता है और इसी प्रकार से ग्रह मंडल भी अपने अपने काम करते हैं, ग्रहों का समूचे विश्व को संचालित करते हैं। ग्रह मंत्रिमंडल नए संवत्सर के साथ में ही प्रतिवर्ष बदलता रहता है और ये जब चैत्र का पहला नवरात्र आता है तभी जो है ये शुरू होता है। हिंदू नववर्ष दिनांक 22 मार्च 2023 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन बुधवार से शुरू होगा। तो आप लोग आइए पूरा वीडियो देखिए, जान लेते हैं कि हिंदू नववर्ष 2023 में ग्रहों का मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, हम लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये जो संवत आ रहा है ये पिंगल नामक संवत है। 2080 के आरंभ होते ही जो है मंत्रिमंडल अपना कार्यभार संभाल लेगा और विश्व की संचालन आरंभ करेगा, जो निम्न प्रकार से होगा, निम्नलिखित है जैसे नीचे लिखा हुआ है, हमने इसको पूरा बना करके रखा है और हम यह जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग इसे समझिएगा। हमारे ज्योतिष का क्या महत्व होता है कि अगर हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं तो आने वाले ग्रह चाल, आने वाले कोई कष्टी के बारे में हम जान लेते हैं। राजा इस बार जो है हमारे संवत्सर 2080 में यानी प्रधानमंत्री जो होंगे बुध होंगे। बुध हमारे मालिक होंगे, जो मंत्रिमंडल के प्रमुख होंगे और बुध के राजा होने से ही विश्व में उथल पुथल अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। जनता में सरकारों के प्रति विद्रोह रहेगा। धन धान की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, यानी हमारे लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी, महंगाई बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। वर्षा अधिक ना होने के कारण जो है हमारे को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कई जगह पर अधिक जो है बारिश होगी, कई जगह पर थोड़ा सूखा पड़ेगा, कई जगह पे बहुत बारिश होगी, अधिक बाढ़, अधिक बारिश होने के कारण बाढ़ का संभावना बढ़ जाती है और जो विप्र वर्ग हैं वह सुखी व प्रसन्न रहेंगे, मतलब पंडित लोग जो होंगे वो सुखी और संपन्न रहेंगे क्योंकि ये भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे ही ये लोग जो है सुखी रहते हैं। दूसरा क्या है कि जो मंत्री हैं देश की सरकार में, जिस प्रकार से गृह मंत्री होते हैं, सरकार के द्वितीय स्थान इनको दिया जाता है, उसी प्रकार से गृह मंडल के भूमिका के जो मंत्री होते हैं वो नए संवत 2080 में शुक्र होंगे। शुक्र के मंत्री होने से मंत्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, प्रधानमंत्री को वही चलाते हैं। मंत्री होने से विश्व में वैभव और विलासिता का वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि जो शुक्र होते हैं ये शौक श्रृंगार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कराते हैं, इसलिए जो है सभी जनता जो है सभी प्रकार से सुख और भोग के शौकीन होंगे, मतलब हर तरह से नई नई चीज़ें खरीदेंगे, अपने ऊपर जो है श्रृंगार करेंगे और पैसा बहुत खर्चा करेंगे। गाय और पशुधन की हानि होगी, गऊ और पशुधन जो है लोग नहीं पालेंगे और रोग महामारी के कारण जनता जो है पीड़ित रहेगी। तो इस प्रकार से अब धन के स्वामी जो होते हैं धन वही देते हैं, उनकी जो है जिम्मेवारी हो क्या होती है कि ये धनेश कहते हैं इनको। नए वर्ष 2080 में धनेश का ये पद सूर्य के पास है। नए संवत 2080 में
धन के स्वामी सूर्य हैं। नए वर्ष में सूर्य जब धनेश होंगे तो सूर्य के धनेश होने से विश्व में रोजगार बढ़ेगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जनता को धन धान का लाभ होगा। यानी सूर्य भगवान हमारे सबके ऊपर कृपा करेंगे, यही जो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमारे अनाज खाद्यान्न वस्तुओं की जो है पूर्ति होती है। तो इनके जो है धनेश होने से ये जो है खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। अब जो है रक्षा जो करते हैं, जैसे रक्षा करने वाले जो होते हैं वो भी मंत्रिमंडल में होते हैं, तो नए वर्ष में दुर्गेश गुरु होंगे, गुरु को जो है पदभार दिया गया है। इस वर्ष में फलेश भी गुरु हैं, दुर्गेश भी गुरु हैं, तो विश्व में अर्थव्यवस्था कमज़ोर रहेगी, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था कमज़ोर रहेगी, भय व पीड़ा का वातावरण बना रहेगा, लोग घबराए से रहेंगे, सोना चांदी की कीमतों में वृद्धि होगी, देश में परस्पर वैमनस्यता बढ़ने की संभावना है, युद्ध का वातावरण बना रहेगा, सरकारों के प्रति जनाक्रोश रहेगा, मतलब सरकार से जनता खुश नहीं रहेगी, जितना मर्जी सरकार कुछ भी कर ले जनता खुश नहीं होगी, और इसी प्रकार से जनाक्रोश की भावना पनपेगी, विश्व में सत्ता के विरुद्ध कहीं कहीं पर विद्रोह होगा। अब कृषि के मालिक क्या हैं? कृषि का मालिक जो है नए वर्ष में रसेश बुध हैं। बुध के रसेश होने से जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, व्यावसायिक पैदावार विशेष करके फलों की जो उपज है उसमें वृद्धि होगी, जनता को रसयुक्त पर्याप्त जो है मात्रा में मिलता रहेगा, जैसे दूध दही फल, इसके जो है दाम बढ़ेंगे पर हमारे को सब कुछ मिलता जाएगा, व्यापारी वर्ग सुखी रहेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, किंतु किसानों की आय में कमी आएगी, किसान की आमदनी कम रहेगी। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा आप लोगों को बताया है कि हमारे ग्रह के मंत्रिमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं और कौन कौन से किस प्रकार से उनका प्रभाव होगा। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे से जुड़े। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।